व्हाट्स अप गाइस, यार तो कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार वापस से हम आ गए अपनी मिराई पो गेम में। एंड गाइस यार आज की वीडियो में हम करने वाले अपना ये वाला बेस चेंज। हाँ गाइस यार आपको पता होगा कि अभी अपने को बहुत जरूरत है मीरा ओर्स की, लेकिन गाइस यार मीरा ओर्स तो यहाँ पर एक भी नहीं उगता। यहाँ पर एक मीरा ओर इधर स्पॉन होता है, लेकिन गाइस यार अभी वो भी नहीं हो रहा। तो मुझे एक बेस चाहिए जहाँ पर मीरा ओर्स भर भर के हो। तो गाइस यार यही चीज आज की वीडियो में करने वाले, हम एक दूसरा अपना बेस बनाने वाले हैं। ये वाला बेस तो रहेगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत सारा काम होता रहेगा, तो इस वाले बेस को तो रखेंगे। लेकिन गाइस यार आज हम दूसरा वाला अपना बेस बनाने वाले जहां पर हम सिर्फ अपने मीरा और माइन करेंगे। एंड वहां पर गाइस यार हम अपनी ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। एंड ब्रीडिंग से याद आया, मैंने बहुत सारी चीजें अभी अपनी रखने की स्टार्ट कर दी है। यहां पर अभी मैं आपको दिखा रहा भाई, आप बोलोगे ब्रीडिंग के लिए तो अपने को केक चाहिए होगी। तो गाइस यार मैं सोच रहा हूं कि केक के लिए अभी अपने को सामान चाहिए होगा। फ्लोर मिल मेरे को चाहिए, तो फ्लोर मिल तो अभी इधर से उठा ले रहा मैं। एंड ओके 85 फ्लोर मिल तो मैंने रखी ली थी, मेरे को पता था। एंड केक की तरह ये रही, केक कितनी बन सकती है, केक मैक्स 12। ओके तो गाइस यार 12 केक तो मैंने इधर कुक होने के लिए रख दिया। अभी 12 केक जैसे ही होगी ना गाइस, वैसे ही हम अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ब्रीडिंग तो भाई मैं अभी नेक्स्ट वीडियो से ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन जो अपना नया बेस होगा ना गाइस वहां पर हम ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं करेंगे, वहां पर ब्रीडिंग करेंगे। एंड मैंने और भी बहुत सारी चीजें बना रखी है, तो इसको कलेक्ट करते हैं। ओके मैंने एमओ, हाँ गाइस यार देखो मैंने अपनी गन भी बना ली है, गन आप देख ही सकते हो मेरे पास अभी। आई थिंक एक मस्केट है, एंड मैं अभी एक पिस्तौल भी ले लेता हूँ इधर। ओके वॉर्म हैंड गन है मेरे पास, एंड हैंड गन भी आ गई है, ठीक है। तो अभी अच्छी खासी हो चुकी है। एंड यहाँ पर मीरा बॉल दो ही है, तो कोई नहीं, टोटल मेरे पास 62 मीरा बॉल्स हो रखी है। एंड अभी जाते अपने एग के पास, एंड एग इंक्यूबेट करते हैं फटाक से। तो गाइस यार जो कोई भी चैनल बनना हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो भाई, जो कोई भी चैनल बनना हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर देना है। देखते हैं कि इस वाले एग में से अपने को क्या चीज मिलती है देखने को। तो गाइस यार अपने को मिला एमरल्ड डेयर करके, मेरे को एक पैल मिला है गाइस यार। तो देखते हैं अभी वो वाला पैल अपने को कैसा दिखता है। एंड सबसे पहले तो मैंने जो गन ली है ना, अभी गन को मेरे को हाथ में रखना पड़ेगा। अभी किसको रखा रहा हूं मैं, इसको अभी पिकैक्स को निकाल देते इधर, क्योंकि अपने को पिकैक्स की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिकैक्स की जगह पर हम अभी माइनिंग करने के लिए अपने पैल रखेंगे जहां पर मीरा और बहुत सारे स्पॉन हो सकते हो। ये रहा, एंड आई थिंक ये फ्लायर है क्या भाई, मेरे को बोल देख फ्लायर है, ठीक है। ये फ्लायर है क्या, मुझे लग क्यों रहा है ये फ्लायर है। यप ओके, ओ भाई गाइस यार ये एक फ्लायर है प्यारा सा एमरल्ड डेयर करके, तो इसको भी गाइस अभी रखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो से इसको हम फ्लायर अपना पर्सनल फ्लायर बना देंगे, अभी तो नहीं रखूंगा आई थिंक। अभी तो आई थिंक मेरे को एक फ्लायर चाहिए होगा, तो अभी तो उसको नहीं रखेंगे। नेक्स्ट लेवल से इसको अपग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, इसके लेवल स्टार्ट कर देंगे करना। एंड अभी अंदर आई थिंक एक एग होगा क्या, एक एग होना चाहिए अंदर जो कि अपने को वो कर सके, क्या बोले भाई, उसमें से एक लार्ज या फिर ह्यूज कोई ना कोई तो होना चाहिए। नहीं भाई इधर तो हॉट हो रखा है, मेरे को अंदर का वो पहनना पड़ेगा। ये भी कल होगा भाई, मेरे को अभी एक वो पहननी पड़ेगी, हीट रेसिस्टेंट आर्मर पहनना पड़ेगा। एंड इधर खाना भी अभी मेरे पास बहुत कम है, तो खाना लेकर निकलते गाइस नई वाली जगह पर। एंड नई वाली जगह पर मैं बेस बनाऊंगा ना गाइस, आप बोलोगे भाई क्या जगह है, मैंने एक जगह देख रखी थी गाइस, मैं अभी आपको दिखा रहा जो जगह मैंने देखी थी वहां पर। मैं सोच रहा था मेरा बेस उधर बनाऊंगा, लेकिन वहां पर ऑलरेडी एक बंदा आकर बेस बना दिया उसने, तो अभी मैं वहां पर नहीं बना सकता, ठीक है। तो अभी निकलते उस वाली जगह पर, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली जगह मैंने पहले देख रखी थी। एंड मैंने आई थिंक ऑलरेडी ओके, तो गाइस यहाँ पर अपने को जाना है, यहाँ पर जाकर मैं अभी आपको वो वाली जगह दिखाता हूँ जहाँ पर भर भर के मीरा ओर्स आपको मिल सकती है, ठीक है। आपको भर भर के वहां पर मीरा ओर्स मिलेंगे। एंड ये क्या भाई कुछ अलग सी चीज, ओके लोडिंग है, रीलोडिंग लोडिंग। एंड गाइस यार मेरे को जो अपना ये ग्लेशियर ये था ना भाई, आइस क्लीन करके ये बहुत ही तगड़ा पैल, ये बहुत ही तेज दौड़ता है, ठीक है गाइस, ये बहुत ही तेज दौड़ता है, मेरे को बहुत सही लगा। आप इस वाले पैल को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, ये सही से भाई ये बहुत अच्छी जंप लगा देता है। एंड गाइस यार देखो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि आज बेस बना दूं, लेकिन ऑलरेडी किसी बंदे ने यहाँ पर अपना बेस बना दिया माइनिंग के लिए। इधर देखो भाई मीरा ओर्स, एंड इधर भी बहुत सारे होते हैं, ये देखो भाई ये एकदम से स्पॉन हो चुके हैं यहाँ पर, होते हैं मीरा ओर्स, लेकिन भाई मेरे से पहले किसी और ने बना दिया। मैंने बहुत टाइम से देख रखा था, मैं सोच रहा था कि इसके भाई ये वाले नहीं चाहिए मेरे को, भाई तुम्हारे रिसोर्सेज मैं क्या करूंगा, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं चाहिए। पैल तो अभी गिरते नहीं अपडेट के बाद, ठीक है। तो गाइस यार हम फटाक से चलते हैं अपनी न्यू वाली जगह पर, क्योंकि न्यू वाली जगह पर मुझे क्या करना है पता है, जाकर मेरे पैल सेट करने, वहां पर जाकर मुझे बहुत सारे मीरा ओर्स को कलेक्ट करना है। एंड वहां पर जाकर मैं एक बेस बना दूंगा, एंड वहां पर देखेंगे कि अपने को कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में। तो गाइस यार अभी हम उस वाली जगह पर आ गए जहां पर अपने को बेस बनाना है। यहाँ पर एक जगह है, वहां पर भी भाई जो आपने लास्ट टाइम अभी देखा ना वैसी यहाँ पर भी एक जगह है, वहां पर भाई क्या मीरा ओर्स हो रखे है। एंड मैं यहाँ पर ही बेस बनाऊंगा। एंड यहाँ पर गाइस एक ही बेस मुझे दिखा है अभी तक, ठीक है, मैंने एक ही बेस देखा, जो अपनी जो वर्ल्ड है ना उससे एकदम डिफरेंट, उससे एकदम अलग जगह पर यहाँ पर बेस बनाऊंगा, एकदम मस्त वाला बेस बनाऊंगा। वहां भी रहेगा, वहां पर अपनी छोटी मोटी चीजें होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट लेवल। ये देखो भाई इधर बहुत सारा है, ठीक है, आई थिंक मेरे को इधर ही बनाना चाहिए। ये सारे पैर तो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो देख लेंगे, मैं सबसे पहले सेफ्टी बनाऊंगा अपनी। एंड ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 है इधर, मैं आई थिंक बीच में बना दूंगा, ठीक है, बीच में तो सारे कवर हो जाएंगे, बीच में बना दूंगा। 3 कवर होंगे ना फिर भी अपने को बहुत है, ठीक है, 3 कवर होंगे फिर भी अपने को बहुत है। एंड भाई तू
भाई ये क्या बोल रहा है, मेरे को डरा रहा है क्या? फटाक से सबसे पहले तो अपना जो ये मीरा कंस्ट्रक्शन है इसको लेते हैं, इसको इधर कंट्रोल कर लेते हैं, देख लेते हैं अपना बेस कहां पर तक दिखता है। नहीं वहां पर नहीं जा रहा भाई, मेरे को दो तीन ज्यादा ही लेने पड़ेंगे। इधर से ले लूं क्या? इधर से कर देते हैं, ठीक है। ये एक दो वो वाले भी आ जाएंगे एंड इधर से ये वाले भी आ जाएंगे, देख लेते हैं यहाँ पर कितने मिलते हैं, ठीक है। इधर आई थिंक ये वाला अपना पत्थर आ गया, ये वाला आ गया मेरा ओर्स, ये वाला आ गया एंड वहां पर थोड़े से कम लग रहे तो उधर भी जाते, इस वाली जगह पर जाते, उधर के नहीं लेते, इस वाली जगह पर सारे ले लेते हैं, ठीक है। इधर वो वाला नहीं आएगा, ठीक है। इधर आई थिंक थोड़ा और, कोई दिक्कत नहीं, इधर थोड़ा जाते हैं एंड देखते हैं कि अपना कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई ना कोई तो दिक्कत रहेगी भाई, सारे तो नहीं आ पाएंगे लेकिन मेरे को पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा और एंड ओके ये वाला कवर कर लेते हैं। भाई छछुंदर इधर क्यों भाग रहा है, चूहे। इधर ये एक आ गया एंड ये दो आ गया एंड ये तीन आ गया एंड ये चार आ गया, ठीक है। तो इतने तो इनफ है गाइस। इधर मैं अभी सब फटाक से अपना ये जो भीड़ है इसको मीरा अपना जो टर्मिनल है उसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ एंड देखते हैं कि अभी अपना बेस जो है वो कितना बड़ा होता है। एंड गाइस सबसे पहले तो मुझे सेफ्टी भी इधर रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेफ्टी चाहिए भाई, यहाँ बहुत सारे पैल घूमते रहते हैं तो यू नेवर नो भाई कौन सा पैल कब अपने पे हमला कर दे। तो देख ही सकते हो अपने पास अभी एक है दो, भाई तीन ही में वो आए, कोई दिक्कत नहीं भाई, तीन तो इनफ है अभी के लिए। ये दो बाहर रह गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी दूर दूर थे तो क्या ही कर सकते हैं, अभी अपने को अभी दूर दूर थे तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अपने पास अभी एक दो एंड तीन एंड ऑलमोस्ट तीन थे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तीन तो अच्छे खासे ये जो मीरा ओर के वो है पत्थर है वो आ गए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को मीरा टर्मिनल में जाके यहाँ पर कोई पैल ओके ऊपर बहुत सारा है तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ पता है, मेरे पास जो वो थे ना माइनर, तो माइनर्स को मैं इधर रख देता हूँ सबसे पहले। क्या था ये वाला एक, इसको रखते माइनर एंड ये चूहे को भी इधर रख देता है, आई थिंक ये अच्छा खासा माइनिंग कर लेता है एंड मुझे पत्थर भी चाहिए गाइस, ठीक है। पत्थर भी चाहिए तो पत्थर के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें अभी कर दूंगा, लकड़ी नहीं चाहिए अभी के लिए फिलहाल के लिए। जो को भी बॉस है ना मेरे पास तगड़े तगड़े उनको यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर रख दूंगा एंड ये भी अच्छा खासा हो रखा है एंड इस गोलम को भी इधर ही रख देते हैं, ठीक है। गोलम अपनी सेफ्टी करता रहेगा अपने बंदों की, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसको भी यहाँ भी रखते हैं। सारे बॉस जो वहाँ पर काम नहीं कर रहे इनको यहाँ पर मैं लगा दूंगा एंड ओके यहाँ पर लकड़ी वकड़ी वाला है तो मैं एक फायर वाला भी यहाँ पर लगा देता हूँ, फायर वाले भी अपने को नीड है तो इसको भाई आ जाए। ओके तो ये मैंने लगा लिया, लेकिन भाई मेरे पास बेड वेड तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इन लोगों तो बेड के बिना ही सो जाओ अभी के लिए फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ पता है, मेरे को चाहिए होगा एक चेस्ट बनाने के लिए कुछ सामान एंड चेस्ट के लिए तो आई थिंक मेरे पास इनफ, ओके इनफ है मटेरियल, तो इधर एक पास में चेस्ट बना लेता हूँ फटाक से। मेरा मीरा टर्मिनल किधर गया भाई, भाई इसको घेर के बैठ गए, ये सो गए, इसको इधर ही बना लेते हैं एंड कौन है भाई, कोई तो है भाई हरकतें करने वाला, कोई तो ओके मेरा ही पहले भाई, ये मेरा ये क्या, हाँ भाई मुझे लगा ये कौन है, इसको तो इधर कर दिया है, ठीक है, इसको इधर कर दिया है एंड अभी मेरे को क्या चाहिए था, बेड चाहिए होगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं बेड के अलावा जो पत्थर की वो है माइनिंग है उसको मैं इधर ऑन कर देता हूँ, किधर गया भाई, एक माइनर बनाना पड़ेगा मेरे को इधर प्रोडक्ट में जाके। मुझे चाहिए होगा मीरा और शार्स एंड स्टोन, 50 स्टोन चाहिए होंगे एंड शार्स चाहिए, शार्स तो भाई शार्स एंड सारी चीज़ें मैं लेकर आता हूँ, ठीक है गाइस। दो मिनट में शार्स एंड स्टोन तो मैं इधर से सीधा टेलीपोर्ट करेंगे वहाँ पर। तो गाइस यार हम अपने पुराने वाले बेस पे तो आ चुके हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें ले जानी है क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चीज़ें करनी है एंड बेड वेड तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वुड भी मैं इधर से कलेक्ट ही कर लेता हूँ, जितना आता है उतना अच्छा है, वुड ठीक है, वुड एंड स्टोन एंड वो सारी चीज़ें इधर आई थिंक साइड से ही मैं ले जाता हूँ, जितना भी हो सके उतना सारा मैं साइड से ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर एक मुझे बेड भी बनाए भाई, बेड भी बना लूँगा कोई नहीं। इधर से स्टोन कितना आ जाए, 160 विड्रो मार लेते, इसको भी लकड़ी को भी इतना विड्रो मार लेते फटाक से एंड जितना भी आई थिंक मेरा अभी इन्वेंट्री तो फुल ही है तो मैं फटाक से फास्ट ट्रेवल मारता हूँ गाइस एंड वहाँ पर जाकर आपको मिलता हूँ सीधा। ओके तो गाइस यहाँ पर हम आ गए एंड मेरे को भाई मेरा ओर्स लेने थे लेकिन ओर्स तो रह ही गए एंड ये क्या चीज़ है भाई, फ्लोर मिल तो इसको यहाँ पर रहने देते एंड मैं बहुत सारी लकड़ी उठा ला एक साथ में एंड मुझे स्टोन भी मिल गए एंड शार्स चाहिए थे मेरा और शार्स 9 है मेरे पास, कितने चाहिए थे मेरे को एक चेस्ट बनाने के लिए, ये नहीं चेस्ट नहीं मेरे को 10 चाहिए होंगे, ठीक है। शार्स चाहिए और वो नहीं चाहिए भाई, गन क्यों चल जा रही है। एंड गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ से अभी और भी अपने जो भाई ये क्या ग्लिचेस है देखो, अभी रेंडर ही नहीं हो पा रहा। गाइस यहाँ पर अभी बहुत सारे पत्थर एंड मेरा ओर्स एंड वो सारी चीजें हम लेकर जाते अपने उस वाले बेस पर एंड बहुत सारी चीजें भाई वहाँ पर क्राफ्ट करनी है मुझे। तो मैं सबसे पहले तो क्या भाई शार्स किधर गए, मेरा और शार्स ओके ऊपर है भाई, मैं कहाँ देख रहा हूँ, आई डोंट नो ब्रो। एंड इधर शार्स नहीं है, ठीक है, इधर शार्स नहीं है अपने पास तो कहीं और से देख लेते हैं। शार्स थोड़े से ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं 50 लेके जाऊँगा वरना मेरी इन्वेंट्री भाई एकदम पत्थर उठा के चढ़ रहा है बंदा, एकदम ऐसा लगेगा भाई उससे मजदूरी करवा रहा हूँ मैं, ऐसा लगेगा उसको। एंड ओके इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है भाई, इधर भी देख लेते इधर कौन सा मेरे को मिल सकता है। नहीं भाई इधर भी शार्स किधर है भाई, शार्स एंड स्टोन चाहिए, स्टोन तो इधर से मैं थोड़े बहुत ले जाऊँगा, ठीक है, अभी और थोड़े बहुत स्टोन ले जाएंगे, ये रहे स्टोन, ठीक है। मेरे पे इन्वेंट्री में जगह है ऑलमोस्ट अभी 700 समझ लो 600 जगह है, ठीक है, तो इसको मैं ले
लेता हूँ 100 के आसपास, ठीक है। इसको 100 के आसपास, जितना है इतना ही केजी है तो वो अच्छा है, ठीक है। इसको 100 के आसपास ले लिया, तो अभी फटाफट से निकलते अपने उस वाले बेस पे, वहां पर जाकर ये सारी चीजें रख देता हूँ। एंड मेरे को इधर एक बेड बनाना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आके बेड बना दूंगा यहाँ पर, एंड वहां भी बेड बनाना है भाई। ओके तो गाइस यार मैं यहाँ पर तो आ गए, एंड आई थिंक सुबह हो गई, ये लोग उठ गए भाई, खड़े खड़े सो रहे क्या। एंड किधर गया भाई मेरा चेस्ट, इधर चेस्ट इन लोगों ने पूरा डबा दिया। इधर इसको ओपन करते हैं, एंड ये सारी चीजें जो मैं लेकर आयो भारी भारी चीज को यहाँ पर रख देते। ओके आई थिंक ये डन हो चुका है, एंड इसको भी एक पल को भी, ये क्या है पल वाल मेरे को नहीं पता, इसको यहाँ पर रख देते। एंड मुझे क्या करना था, मुझे सबसे पहले तो ये स्टोन वाला बनाना था इधर कहीं पर, मैं बना देता हूँ स्टोन की एक क्वेरी है उसको, ठीक है। क्योंकि अपने को स्टोन भी चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे को पूरा बेस जो है ना अपना वो कवर करना है, ठीक है, स्टोन से ही कवर कर लूंगा। इसको यहाँ पर बना देते प्लेस करके, ठीक है, फटाफट से आ जाओ भाई मेरे भाई, ये क्या तेजी से आ रहा है। चलो तो गाइस यार ये सारी चीजें तो मैं इधर बना देता हूँ, एंड अभी मेरे पैल भी काम करने लग जाएंगे, जैसे उठेंगे ना वैसे ये लोग काम करने लग जाएंगे। यहाँ पर एक चेस्ट रख दिए, तो चेस्ट में वो लोग रख देंगे सारा सामान। तब तक हम क्या कर रहे हैं पता है, हम निकलते एक पैल को पकड़ने के लिए, जिसको मैं कब से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बेड तो नहीं है भाई, तुम इधर ही सो रखो। एंड भाई एक चीज तो रह ही गई, रुको, मेरे को इनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा भाई, खाने के लिए भी रखना पड़ेगा इनके लिए, तो खाना भी मुझे यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा वहां से। रुको इधर भी इसको एक चीज को इधर आई थिंक मेरे मीना टर्मिनल के पास ही रख देते, इधर रख देते, एंड इसको मैं ही क्राफ्ट कर देता हूँ। वो अपना बंदा अच्छे से बना रहा है, कोई नहीं भाई बना दो आराम से, ठीक है। ओके तो इधर बन गया, एंड मेरा जो अभी 60 भाई मेरे पास 60 खाना है मेरा, तो इसको इधर डिपॉजिट ऑल करते हैं। गाइस यार मैं अपने बेस से वो वाले बेस से लेकर आता हूँ खाना। तो ओके यहाँ से अभी हम बहुत सारा खाना लेकर जाते हैं, क्योंकि भाई वहां पर अपने पैर जो है ना वो भूखे मर जाएंगे, ठीक है। भूखे नंगे बेचारे बोल रहे हैं कि भाई बेड नहीं दिया, लेकिन खाना तो दे सकते थे ना। तो अभी मेरे को भाई विड्रॉल क्यों कर दिया भाई, इतना सारा नहीं है। ओके डिपॉजिट ऑल, एंड मेरे को भाई अभी वो करना है 600 के आसपास का मैं खाना ले जाता हूँ। अभी इतनी तो आई थिंक इनफ है, ठीक है मेरे पे, आई थिंक इतनी तो 1700 तो इनफ है भाई, मेरी वो भी इन्वेंट्री भी फुल नहीं हुई तो सही है। एंड मुझे और कुछ चीज़ें तो अभी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सब रख लूँगा। तो गाइस यार आई थिंक मैं अभी नेक्स्ट वीडियो से अपनी जो ब्रीडिंग है वो स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरे को कमेंट में बताना कि अपने को कौन सी पैल की ब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अभी मेरे लिए भी मुझे खाना चाहिए होगा, तो मैं मेरे लिए भी थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। अभी हो गया मेरे पास भी अभी बहुत सारा है, तो इसको भी थोड़ा बहुत रख लेते हैं। यहाँ पर मैं फार्मिंग सेट कर दूंगा, तो कोई अपने को दिक्कत नहीं होगी। एंड मैं और भी खाना इधर रख देता हूँ, मुझे इतना सारा खाना नहीं चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास भले ही रहता, ठीक है। अभी ये सारे पैल अपने काम करना स्टार्ट हो गए, अच्छा है भाई, किसी से लड़े ना तो अच्छा है, अगर लड़े ना तो निकल लूंगा मैं भाई, ये मर जाएंगे। एंड अभी बहुत सारे पैल मैं इधर डाल देता हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को डालने चाहिए इधर मेरा टर्मिनल में जो है ना माइनिंग वाला पैल जा सारे मैं इधर डाल देता हूँ जो कोई भी अच्छे है। एंड आई थिंक मैं वो भी कर दूंगा स्टार्ट अपना फार्मिंग, लेकिन फार्मिंग के लिए तो मैं बाद में ऑफलाइन ही कर दूंगा। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो माइनिंग है वो वाले पैल इधर डाल देता हूँ, इसको भी यहाँ पर डाल देते जो कोई भी छोटे मोटे पैल है माइनिंग वाले उसको। ओके तो यहाँ पर मैंने अभी अपने पैल काम पर लगा दिया है ना गाइस, यार ये आई थिंक अपने लिए बहुत सारे शार्ट्स कलेक्ट कर ले तो अच्छा है। तो अभी गाइस यार हम निकलते ये देख ही सकते हो अपना काम कर रहे सारे पैल। सो गाइस यार अभी हम निकलते अपने काम के लिए, अभी निकलते एक पैल को पकड़ने जाना है मुझे, तो उसको पकड़ के आते फटाक से हम। वो वाला पैल गाइस यार मुझे ये रहा, ठीक है, इसको अभी पकड़ना है, कोरोला करके एक पैल है, तो इसको अभी जाते पकड़ते, डंजन में हो बाहर हो कुछ नहीं देखते, हम इसको पकड़ के आते हैं। अपना जो काम है ना अभी ये जो मेरा शार्ट्स का वो तो अच्छे से हो रहा है। एंड गाइस यार जैसे मेरा लेवल और भी मेरे बेस का वो हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं और एक अपना बेस बना पाऊंगा। आई थिंक हम मैक्स 3 बेस बना सकते हैं। एंड वो रहा पैर, देखो उसको मुझे पकड़ना है जैसे जैसे करके, तो उसको भी पकड़ लेते हैं फटाक से। एंड आई थिंक ये वाली छोटी सी वीडियो हो सकती है गाइस यार, ये ज्यादा लंबी नहीं होगी, मैंने सिर्फ इसमें बेस चेंज करा, मैंने सोचा कि मैं बेस चेंज कराऊँ तो आपको दिखा दूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी इसके बारे में, वरना मैं ऑफलाइन का कब का बना देता बेस। एंड मेरे लिए मेरा ओर लाना एकदम आसान हो जाता, लेकिन मैंने वहां पर बेस नहीं बनाया, मैं सोचा कि वीडियो के साथ आपको दिखा दूँ कि कैसे बेस मैंने बनाया, एंड आप भी दूसरा बेस बना सकते हो। एंड वहां पर और भी डेवलपमेंट है वो तो मैं कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, उसके लिए कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए, कर दूंगा धीरे धीरे करके। तो ये जो कोरोला है भाई उसको अभी पकड़ने जाते हैं, अभी देखते हैं कि अपने को कितना डिफिकल्ट पड़ता है। एंड मैं अभी मेरी जो गन है ना उसका टेस्ट करूंगा कि ये गन कैसी चलती है, ठीक है, अभी देखेंगे। एंड मैं गाइस यार ब्रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो से। तो इसको सबसे पहले तो इसके ऊपर बॉल फेंकते, एक ऐसे ही बॉल फेंकते भाई, इसके ऊपर तो बॉल ही नहीं आई, वाह, मैंने सोचा एक मार के उसके ऊपर बॉल फेंकूं, लेकिन नहीं। अबे भाई मेरा पैल किधर गया, नेटवर्क इशू की वजह से मैं मर ना जाऊं मुझे लग रहा है। आ जा चल, हाँ अभी पीछे से क्यों भाई, आगे से मैंने पीछे से डाला तो ये आगे से क्यों आ रही है, इसको डैमेज 200 का पड़ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा डैमेज दे रहा हूँ आई थिंक मैं इसको। एंड मेरा नेटवर्क इशू, वाह गाइस यार मेरा नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, आई थिंक मैं मर जाऊंगा मुझे लग रहा है। अभी इसको पकड़ने का सीधा ट्राई करेंगे, देख सकते हो मेरे एमएस कितने कम जा रहे हैं, एकदम से वापस आ गए भाई, एकदम से वापस आ गए। अबे भाई क्या कर रहा है तू, मारना। ओके इधर ये आई थिंक 400 का डैमेज तो अच्छा है, तो इसको अभी पीछे से पकड़ते हैं, एंड कोई आना जाए तो अच्छा है भाई, मैं वैसे तो देख लूंगा इसको। क्या धोप दिख रहा है भाई, 1200 का डैमेज, क्या सही डैमेज दे रही है गन। आ जा चल, अभी इसको देखते हैं पीछे से इसका कितना परसेंटेज। ओके बोनस बिहाइंड, ओके बोनस दे रहा है बिहाइंड पे, ये सही है, मुझे लगा कुछ और है क्या। इसको पीछे से आई थिंक बोनस बिहाइंड, इस पर कैप्चर रेट नहीं भाई, बोनस बिहाइंड नहीं आया इस पर भाई, तुम मारना क्या कर रही है मेरी जान।
मारना अभी इसको भी, मेरे को बांध दिया भाई। वाह सही में गाइजर, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। इसको पॉइजन थोड़ा बहुत देना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इसको थोड़ा बहुत पॉइजन देना ही पड़ेगा क्योंकि एमओ तो वैसे भी वेस्ट हो रही है क्योंकि मेरा नेटवर्क पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसको बिहाइंड बोनस भाई आ जा, बिहाइंड बोनस हो गया, बोनस बिहाइंड, आई थिंक ये कैप्चर हो जाना चाहिए गाइज मेरे को लग रहा है। भाई नहीं हुआ क्या, भाई नहीं हुआ क्या, तू रुक जा, तेरे को तो कैप्चर करके ही जाएगा तेरा भाई। आ जा चल, मैं इसके चाल में आ गया, ये तो कूद रहा है भाई ये, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। बोनस आ जा भाई, बोनस दे दे मेरे को, मेरे को कैप्चर रेट ओके 23% कैप्चर रेट है भाई, ये पीछे से नहीं आया। आ जा चल, अभी आई थिंक वो जाना चाहिए बोनस बिहाइंड। ओके ओके ओके, तो आ जा आ जा आ जा आ जा। ओके तो गाइस हियर वी गो, तुम्हारे भाई ने ये वाला पहल भी जैसे तैसे करके अपना नेटवर्क ने बहुत धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैंने नेटवर्क को धोखा खाते हुए मैंने इसको पकड़ लिया। ओके तो अभी ये वाला पैल वापस से आ जा भाई, मेरे को मेरा पैल दे दे। चल इसके ऊपर बैठते हैं फटाफट से, अभी निकलते हैं। गाइस यार मेरे पास एक राइडर जो मस्ट वाला है उसको अभी आई थिंक 34 पे उसका सैडल छूट रहा है, वो बहुत तेज मुझे लग रहा है इसके जैसा ही। अभी ये भाई पैल कैसे दौड़ रहा है तेज, वैसे ही वो पैल बहुत तेज उड़ता है, ये देखो भाई क्या तगड़ा पैल है। तो अभी मैंने तो ये वाली जगह पर ये वाला पैल तो पकड़ लिया, अभी आई थिंक मेरे पास कोई भी पैल नहीं रहता गाइस, मैंने ड्रैगन वाला भी पकड़ लिया है। ठीक है मैं अभी आपको दिखा रहा, मैंने ड्रैगन वाला पैल भी पकड़ लिया है, देख लो भाई ड्रैगन वाला पैल। ये सारे पैल मैंने जो इस वाले एरिया में वो सारे पैल पकड़ लिए, अभी हम इसमें जाएंगे। अभी तो मेरा लेवल भाई आप देख ही सकते हो 30 लेवल है, तो 30 लेवल के जो कोई भी 30, 35, 40 वाले मैंने सारे पकड़ लिए। एंड अभी यहाँ पर जाते हैं एंड मैं कुछ चीज़ें अपग्रेड करना चाहता हूँ। एंड ओके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो एक पैल ये मेरे पास आया, आई थिंक ये मैंने चेकपोस्ट से उठाया है। एंड ये ड्रैगन टाइप अपना जो था ये रहा। एंड अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बेस बना रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भाई मेरे को जो भी मिल रहा है, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर एग रखना है एक मेरे को, एक इलेक्ट्रिक पैल मेरे को चाहिए तगड़ा वाला, तो इधर इलेक्ट्रिक रख दूंगा मैं। इधर आकर एक इलेक्ट्रिक एग इनक्यूबेट करने के लिए रख ही देते। ओके डन, इसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। एंड इसको लगेगा ओके आई थिंक 100% है, तो इसको आई थिंक 17 घंटे 18 घंटे में हो जाएगा। एंड अभी ये जो यहाँ पर भेज है ना, अभी मैं चेंज, भाई कोई तो मार रहा है इसको, ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, तू जहर क्यों छोड़ रहा है तेरा एकदम, भाई जहर क्यों छोड़ रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एंड अभी मैं बहुत सारी एमओ भी बना सकता हूँ एमओ के लिए, तो आई थिंक मेरे पास, हाँ भाई मैं एमओ बना सकता हूँ, देख लो गन पाउडर रन पाउडर सारी कुछ चीज़ें। एंड रुको मैं ये सारा देख ही सकते हो, यहाँ पर मेरे जो ये मिल्क निकाल रहा है सुअर मौनी करके, एंड स्वेला एंड ये वो एक एग निकाल रहा है, एक हनी निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें अपने आप मैंने फार्मिंग पे लगा रखी है। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पर जाकर कि अपनी जो केक है वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले पहल की बात करा होगा यार, इस वाले पहल की हम नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक अपनी सैडल जो है वो रेडी हो जाएगी। एंड यहाँ पर नहीं दिख रहा 12 की 12 यहाँ पर किसी ने बनाई नहीं, फायर वाला पहल कोई नहीं है क्या यहाँ पे भाई, फायर वाला पहल यहाँ पे कोई छोड़ ही नहीं रखा क्या मैंने, रुको इसको देखते हैं। एंड मेरा टर्मिनल में जाके फायर वाला पैर, तो ये तो है फायर वाला एंड ये भी है, इसको भाई इसको वापस से मेरे को डाल के उधर छोड़ना पड़ेगा तभी ये फायरिंग करने जाएगा। ओके डन, इसको तो कर लिया है अरे नाम है 36 लेवल तक मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। एंड गाइस यार अभी नेक्स्ट वीडियो से तो हम अपनी ब्रीडिंग जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि अपने को कौन से पैल की ब्रीडिंग करानी चाहिए, ठीक है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस यार यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस यार मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मैंने वीडियो अपने बेस चेंज कराऊ, मैं आपकी दूसरी जगह पर लगा रहा हूं जहां पर हम अपने को बहुत सारे ओर्स मिल सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो गाइस यार यही थी आज की छोटी सी वीडियो, एंड जो कोई भी चैनल पर न हो तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे जाकर हम ऐसी ब्रीडिंग की वीडियोस लाएंगे एंड ब्रीडिंग की वीडियोस में अपने को बहुत मजा आएगा एंड आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना गाइस यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरे कैसी वीडियो पर।